केकड़ी के पूर्व प्रधान सीमा चौधरी ने पुलिस कप्तान के पास लगाई सुरक्षा की गुहार। मदन गोपाल चौधरी नामक व्यक्ति खेतों पर जमा रहा है हक। केकड़ी के पूर्व प्रधान अजमेर की मां मंत्री रही सीमा चौधरी आज पुलिस कप्तान के पास सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची। सीमा चौधरी ने बताया कि इनके खेतों पर मदन गोपाल चौधरी नामक व्यक्ति जबरदस्ती हक जमा रहा है और इनके खेतों में 4 ट्रैक्टर से अगाई करवा दी है और इसके बाद सीमा चौधरी को भी धमकाया जा रहा है, इसलिए आज वे अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंची। मैं सीमा चौधरी केकड़ी से पूर्व प्रधान रही भी हूँ, जिला परिषद सदस्य रही भी हूँ, अजमेर जिला की महामंत्री रही भी हूँ और प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस की सचिव रही भी हूँ। मैं आप सबसे ही गुजारिश करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ और मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने परिवार के वजूद की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे साथ मेरे पति मेरे ससुर के 4 संतान हैं। सबसे बड़ी मेरी ननद है कमला दी, सेकेंड नंबर संपत्ति दी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी ननद। ये सक्षम घर से इनके भी पेट्रोल पंप है, होटल है जयपुर के अंदर, इनके भी सरपंच रहे हुए हैं और मेरी ननद के भी पेट्रोल पंप है। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट कर रखा है। मेरे साहब की डेथ हुआ आज 2.5 साल हो गए हैं। उनकी किडनी प्रॉब्लम हो गई थी, डायलिसिस हुआ उस टाइम इनकी डेथ हो गई। 2.5 साल से ही मेरा छोटा बेटा है मेहू में पढ़ रहा है, बड़ा वाला दिल्ली DU के अंदर पढ़ा हुआ है। तो बच्चे 2.5 साल से संभाल रहे हैं, पापा का काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मदन गोपाल चौधरी ने अभी 27 जून 2019 शाम को 6 बजे बाद एकदम अचानक आया और 4 ट्रैक्टर लेके आए और हमारे खेतों के अंदर जो मैंने कुली करवा दी थी, समतल करा दिया, केवल बीज का टाइम है, लास्ट टाइम है बीज डलवाने थे, उन्होंने आकर के तुरंत 4 ट्रैक्टर से हकवा दिया। जैसे हमें गांव वालों से फ़ोन आया था कि मैडम आपके खेतों में हकाई हो रही है, वो लोग आ गए, हमने जाके मौके पर उनका विरोध किया, उनके ड्राइवर को कहा ये आपकी जमीन नहीं है, ड्राइवरों से बात हुई, उनको हमने बाहर निकाला हमारे खेतों से। फिर बाद में मदन गोपाल जी, रविंदर, गोविंद और मक्खन अभिमन्यु, ये चारों हमारे सामने खेत पर लड़ने लगे, पूरा गांव देख रहा था और उन्होंने मुझे वहाँ पे धमकी दी, तेरी हिम्मत है जो कर लेना, ये तो हम ही बोएंगे। उसके बाद मेरी वहाँ हमारी तूतू में हुई, मैंने कहा मेरे पति का हक है, मेरी ननदों का हक है, आपको जो करना है आप कार्रवाई करिए, मैं नहीं बोने दूँगी। इससे पहले जानकारी के लिए, हंस राजे मेरे ससुर हैं, पटेल रामधन वो मेरे बड़े ससुर हैं, इन्होंने आज तक पाती नहीं करी है। मेरे ससुर बार बार कहते थे पूरा केकड़ी जानते हैं। उसके बाद मेरे साहब वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी पाती, अपने बेटा अपना हक लेगा, उन्होंने बहुत डिमांड करी मेरा हक दो, उन्होंने नहीं किया। लास्ट टाइम है मेरे साहब को जब डायलिसिस हो रहा था, किडनी फेल हो गई थी, उनका इलाज चल रहा था 40 के अंदर, तब उन्होंने मदन गोपाल चौधरी ने 100 बीघा का नाड़ा जो मेरे ससुर बोल रहे थे, धमाधम आकर के अटैक किया। मेरे साहब भूखड़तल पर बैठे मंडी के अंदर हमारी दुकान के सामने, पूरा मीडिया जानता है, पूरा केकड़ी जानता है, पूरी न्यूज़ आई थी। फिर पटेल साहब ने बुलाया था, भाई मेरे से बात करो। मेरे साहब ने पूरे 2 महीने लगे पटवारी से कागज़ निकाले, वो चाह रहे थे गंदगी नहीं रहे, मेरे बच्चों को पीछे दिक्कत नहीं आए। 2 महीने पूरी कार्रवाई की, पेपर बनवाए, पटेल साहब ने लास्ट में पेपर को पढ़ दिया, मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने ज्ञापन दिया है, SP साहब को दिया है, मैंने कलेक्टर साहब को दिया है, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती हूँ। ना तो मेरे ससुर हैं, ना मेरे देवर हैं, ना मेरे जेठ हैं, मेरे हस्बैंड थे वो चले गए, मेरे बच्चे की उम्र आप देख लीजिए, पटेल साहब 85 साल के, मदन गोपाल जी 65 साल का, ये बच्चा 17 साल का, ये उनका कैसे मुकाबला करेगा? वो लोग कौन हैं जिनमें आके अपील करके तो पर आपके है? मेरे बड़े ससुर हैं पटेल रामधन जी, उनका सुपुत्र है मदन गोपाल चौधरी, जो यहाँ पे अजमेर जिले के अंदर कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है। उसने पहले भी हमारी ज़मीनों पर अधिकार किया, 100 बीघा नाड़ा आज भी उसके कब्जे में वो कर रहा है, गाँव से पूछिए आप। और आज भी वो घुस रहा है, मुझे चैलेंज करके मुझे मारने की धमकी दी, करना है जो कर ले, और मेरे बच्चों को खतरा है। मैं ये चाहती हूँ कल से पैदावार मैं करूँगी, मेरे को प्रशासन की हेल्प चाहिए, मैं बीज उगाऊंगी, हमारे खेत हैं और ये मेरे बच्चों की और मेरी मेरे को सुरक्षा चाहिए, बस। धन्यवाद।